असल में आपको एक बड़ा दायित्व जो पीएमसी से मिला हुआ है चाय बागान को लेकर, तो आप सबसे पहले अपना जो क्षेत्र है, अपना घर क्षेत्र ही जो है, और इसमें आपका बीजेपी का, आपके वजह से बीजेपी का अच्छा होल्ड था, उस जगह को आप क्रिएट करने का जो काम किया है, इसको लेकर बताइए ना क्या उद्देश्य है। देखिए, विगत दिनों जो मैं जिस पार्टी से बिलोंग्स करता था, हमारे जितने भी लोग साथ जुड़ने के लिए निरंतर मुझसे फोन पर संपर्क में है, आज का जो कार्यक्रम है, जो भारनोबड़ी चाय बागान में हमने भारतीय टी वर्कर्स यूनियन की भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेड यूनियन, उनके सदस्य को हम अपने साथ त्रिमूल के परिवार में जोड़े हैं। कालचीनी ब्लॉक के अंतर्गत जहाँ जहाँ चाय बागान है, प्रत्येक यूनिट से हमारा संपर्क चल रहा है। ऐसा कोई चाय बागान नहीं है जहाँ से संपर्क नहीं चल रहा है, मतलब कंटिन्यू हम लोग, ये सिर्फ आज का जो कार्यक्रम आगाज मात्र है, ये कंटिन्यू प्रोग्राम सिलसिला चलता रहेगा। हम लोग ये भी चीज़ ध्यान में रख रहे हैं कि कोविड का समय चल रहा है, इसलिए हम लोग दो चार बागान को एक साथ लेकर ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। हम लोग प्रत्येक बागान में जाकर यूनिट कमेटी के आधार पर करा रहे हैं, ताकि कोविड का जो सिचुएशन है उसको भी ध्यान में रखा जाए, और जो लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ में जुड़ना चाहते हैं उसको लेकर चल रहे हैं। हम लोग, हमारा कार्यक्रम सिर्फ कालचीनी ब्लॉक तक ही सीमित नहीं रहेगा। मैं विगत जो जिस पार्टी में था, जनरल सेक्रेटरी के रूप में अलीपुरद्वार जिला में था, मेरा जो क्षेत्र था चाय बागान, उस चाय बागान के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे आप कुमारग्राम हो, चाहे अलीपुरद्वार हो, अलीपुरद्वार 1-2 हो, कालचीनी हो, मादारीहाट हो, फालाकाटा के कुछ क्षेत्र हो, उसके बाद नागरकाटा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र हो, यहाँ पे हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है, निरंतर जोगाजोग चल रहा है। और साथ ही साथ जो दायित्व मुझे 324 चाय बागान यानी कि लगभग सांगठनिक रूप में 6 जिला और प्रशासनिक रूप में 5 जिला, आपका उत्तर दिनाजपुर से लेकर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुचबिहार, ये तमाम क्षेत्र में हमारे साथ लोगों का निरंतर संपर्क चल रहा है। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे मैंने कार्यक्रम को आगे आगे धारावाहिक तरीका से बढ़ाएंगे और सब सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिया है, ये पूरी तरह से एक प्रकार का छलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जिस जो डिमांड मिनिमम वेज को लेकर हो या जमीन का पट्टा लेकर हो, जबकि दीदी जमीन के पट्टा को लेकर इतना सीरियस है कि वो चाय सुंदरी प्रकल्प के माध्यम से एक अल्टरनेटिव योजना चला रही है जमीन पट्टा के लिए, और दूसरा आपका न्यूनतम वेज के लिए ऑलरेडी वेज बोर्ड की ओर अग्रसर है, ऑलरेडी मीटिंग चल रहा है। लेकिन इसी जगह देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर अपना आंदोलन को तराई डूवर्स में चाय बागान क्षेत्र में रखा है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके मीडियम से। आपका हमारे इस पड़ोसी राज्य असम में 2 भेली ब्रह्मपुत्र और बरक भेली, एक में 183 रुपया, एक में 167 रुपया हाजिरी अभी भी क्यों है, जबकि आपका तो डबल इंजन की सरकार है। आप वहाँ पे पहल कीजिए, आप उदाहरण बनिए, उसके बाद यहाँ पे आंदोलन कीजिए। अगर आप वहाँ पे देने में विफल है, यानी कि कहीं ना कहीं आप हमारे लोगों की इमोशनल से खेल रहे हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप सही में चाय मजदूर के विषय में चिंताधारा करते, तो आपका डबल इंजन की सरकार है, आपने वहाँ पहल क्यों नहीं किया, मेरा एक सवाल है। दूसरा है जमीन का पट्टा, जमीन का पट्टा यहाँ पर अल्टरनेटिव जो चाय सुंदरी असम में क्या है, भारत में 4-5 राज्य में है, हमारे सामने इसलिए मैं पड़ोसी राज्य असम में, क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार के लिए दे रहा हूँ। दूसरा बात देखिए, हमारे आदिवासियों को, चाय बागान में रहने वाले आदिवासियों के और पश्चिम बंगाल के अंदर रहने वाले आदिवासियों को जो सहूलियत हमारे बंगाल सरकार तृणमूल कांग्रेस की सरकार की ओर से मिल रही है, ये सराहनीय योग्य है। क्योंकि आज जो सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट के लिए हमें महीनों इंतजार करना पड़ता था, बीडीओ ऑफिस में लाइन लगाना पड़ता था, प्रोसेस में जाना पड़ता था, आज द्वारे सरकार के माध्यम से घर घर तक हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारे जो समुदाय के लोगों को घर घर तक पहुंच रही है, ये सबसे बड़ी हमारे लोगों के लिए जो देन है दीदी की, इसे हम आभारी हैं। मैं संगठन के हिसाब से तृणमूल चा श्रमिक जो हमारे संगठन है, मैंने तृणमूल चा बागान श्रमिक यूनियन, इसके माध्यम से मैं अपने लोगों को एक जोड़ना चाहता हूं, और साथ ही साथ वो तमाम जो चाय बागान के मैनेजर के खिलाफ, यानी कि मैनेजर से जो पावना है या मालिक के साथ जो हक की अदाई है, अधिकार की लड़ाई है, इसे हम लोग फ्रंट फुट में होकर लड़ेंगे। हम लोग उन अधिकार को दिलाने के लिए हम एकबद्ध है, हम गेट मीटिंग के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से, हम अपने लोगों को उन अधिकारों को चाय बागान के मालिक से
दिलाएंगे, हक वहाँ पे करेंगे। और दूसरी बात है सरकारी योजनाएं हैं, उस सरकारी योजनाओं को भी हम लोग चाय बागान के विभिन्न क्षेत्र में ले जाएंगे। हमारा बहुत बड़ा विजन है, इस विजन पर हम लोग उतरेंगे। और इस दायित्व जो मुझे जो दायित्व मिला उसके लिए मैं आभारी फिर से आभार जनाता हूँ। और एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ हम लोग पहल करेंगे और सबको लेकर चलेंगे। जो हमारे पुराने सहयोगी जो दो ट्रेड यूनियन था, जो फिलहाल 9 तारीख घोषणा होने के बाद जो डीजल हुआ, उन लोगों को साथ हम लोग मिल के काम करेंगे, कंधे से कंधे मिलाएंगे और संगठन के विस्तार के लिए जो भी सकारात्मक कदम होगा, यानी कि पॉजिटिव स्टेप होगा, हम लोग साथ मिलकर चलेंगे। बस मैं ये वक्तव्य मेरा आगामी दिनों में जो जैसे अभी तो हर